नए साल में कुआंवाला लक्ष्मण सिद्ध मंदिर में दूर दूर से श्रद्धालु दर्शन करने पहुंच रहे हैं। इस मंदिर में लोग सुख समृद्धि की कामना लेकर आते हैं। तमाम लोगों की आस्था का केंद्र है लक्ष्मण सिद्ध मंदिर। नए साल में इस मंदिर पर काफी भीड़ भाड़ है। लोगों का कहना है नया साल सुख समृद्धि से बीते, इसलिए पूजा अर्चना के साथ नए साल की शुरुआत कर रहे हैं। डोईवाला के पूर्व कांग्रेस नगर अध्यक्ष और समाजसेवी राजवीर खत्री ने यहाँ विशाल भंडारे का आयोजन किया, जिसमें हजारों की संख्या में लोगों ने भंडारे का आनंद लिया और प्रसाद ग्रहण किया। लक्ष्मण सिद्ध बाबा का आदेश आया और माता जी का आदेश आया कि लक्ष्मण सिद्ध बाबा भंडारा करा रहे हैं, तो इस वर्ष हम नंबर पर लक्ष्मण सिद्ध बाबा भंडारा करा रहे हैं। और सुबह से श्रद्धालुओं की लाइन टूट नहीं रही है, सुबह से कम 6 से 7 हजार श्रद्धालु दर्शन करने आ चुके हैं और भंडारा प्रसाद ग्रहण कर चुके हैं। उत्साह बहुत है और मैं ये चाहता हूँ कि ऐसे ही धर्म प्रेमी जुड़ते रहें और ऐसे ही भंडारे चलते रहें और माता रानी का, हमारे बांके बिहार जी का गुणगान ऐसे ही चलता रहे। इसी उपलक्ष्य में मैं सभी क्षेत्रवासियों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। ये नव वर्ष सबके जीवन में खुशियाँ लाए। ये आज नया वर्ष है और ये बहुत उत्साह मिल रहा है लोगों को और हर व्यक्ति सोचता है कि हमारा जो नया वर्ष हो अच्छा व्यतीत हो। जो पिछले वर्ष में कई जवान साथियों को हमने अपने, वह अंकिता भंडारी जैसा हमारे उत्तराखंड में एक दाग लगा है एक महिलाओं के, जो उसका मामला रहा, तो ये है कि ऐसे भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो। और इस वर्ष यही प्रार्थना करता हूँ कि बच्चों को नशा मुक्त करें आने वाले समय में, और आप सबको, पूरे क्षेत्रवासियों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।